नीमच जिले में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक रविवार को आगामी निर्देश तक संपूर्ण रूप से लॉकडाउन के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी विषय को लेकर रामपुरा थाना प्रभारी आर सी दांगी, तहसीलदार रश्मि दुर्वे व मुख्य नगरपालिका अधिकारी नाहर सिंह यादव के नेतृत्व में एक बैठक रखी गई, जिसमें रामपुरा के सभी व्यापारी वर्ग, जनप्रतिनिधि एवं सभी वर्ग के लोग को लॉकडाउन को लेकर समझाइश दी गई एवं लॉकडाउन को लेकर बैठक में आए सभी लोगों ने पूर्ण रूप से सहमति जताई, परंतु शीतला सप्तमी त्योहार को लेकर बैठक में असमंजस बना रहा। चूंकि कोरोना गाइडलाइन के निर्देश अनुसार पूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में शीतला सप्तमी त्योहार को लेकर जब हमने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे तरफ से ये संदेश है साहब कि ना सभी लोग ना संपूर्ण लॉकडाउन का योग करें। सबसे अभी जो आज जो मीटिंग आउट की गई है उसमें सभी से यही आशाएं रखी है कि भैया सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और इसमें अलग अलग जगह पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ पर ना पुलिस व्यवस्था, नगर पालिका के कर्मचारी वगैरह रहेंगे, उन्हें समझाइश देंगे दोनों के विषय में। रविवार को पूरे जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, पूरी उसी परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस थाने में तहसीलदार साहब एवं थानेदार साहब ने व्यापारी एवं जनप्रतिनिधि की जो बैठक रखी थी, उस बैठक में जो चर्चा होकर शासन के पहलू बताए तहसीलदार साहब ने, उसी संबंध में हमने कल रविवार को शीतला सप्तमी होने से महिलाओं का आना जाना माता जी के मंदिर में कल रहेगा, उस संबंध में हमने उनको अपना पक्ष रखा है कि आप उच्च अधिकारी से बात करके ये महिलाओं का आना जाना बिल्कुल जारी रहेगा कल के दिन। बाकी लॉकडाउन में हम पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी किसी वर्ग, किसी समाज, किसी पार्टी को नहीं देखती है। ये कोरोना महामारी के लिए हम सबको बहुत छोटी छोटी किंतु परंतु होती रहती हैं, लेकिन हमने प्रशासन से ये कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर सख्ती, चूँकि एक ये जो है एक बड़ी महामारी है, और अगर कोई भी अगर चूक हो जाती है और अगर गलती से भी अगर ये फैल जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अनेकों परिवारों को जो है बड़ी क्षति होने की संभावना है। इसी स्थिति में हमने तो प्रशासन से ये निवेदन किया कि इसको जो है सख्ती से इसका पालन हो, और एक दिन हो, दो दिन हो, तीन दिन हो, जितने दिन का भी लॉकडाउन हो उसका हम सब मिलकर पालन करें और पूर्णतः पालन करें। मेरा तो ये कहना है माता बहनों से कि जो महामारी फैली है उसको देखते हुए हम जो है एक दिन की जो पूजा अर्चना है वो हम घर पर ही करें, अपने निवास पर करें। जल भी अगर चढ़ाना है तो अपने घर में जो अपन ने माता जी स्थापित कर रखी है उनको चढ़ाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी माता बहनें जो है ईश्वर से प्रार्थना करें इस शुभ अवसर पर कि ये महामारी से जो है भारत देश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी के मद्देनज़र शासन के निर्देशानुसार DM साहब द्वारा संडे को टोटल लॉकडाउन की आदेश जारी किए हैं, और उसी आदेश को अवगत कराने के लिए और समाज के संभ्रांत नागरिकों को, व्यापारिक प्रतिष्ठान के अध्यक्षों, समाज के अध्यक्षों और अन्य जो पत्रकार बंधुओं, आप सभी लोगों के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करने का एक प्रयास है कि टोटल लॉकडाउन के जो नियम शर्तें हैं उसको पालन करें, और ये कोरोना का संक्रमण जो है हमारे रामपुरा और आसपास के एरिया में ना फैले, और हमें आने वाले समय में कड़े लॉकडाउन का शिकार ना होना पड़े और हमारी जान की सुरक्षा भी हो सके। इस उद्देश्य से यहाँ पर सभी लोगों ने चर्चा की है, तो सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है कि इसमें आप सभी लोग, हम प्रशासन के अधिकारियों को सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा की है। सभी ने आश्वस्त किया है कि आपको पूरा सहयोग देंगे और इसमें कोरोना की लड़ाई में हम सभी जीतेंगे। हाँ, इस सब मतलब चर्चा हुई है जो यहाँ पर बात आई थी सामने शीतला सप्तमी को लेकर, उसके संबंध में तहसीलदार मैडम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जैसे वहाँ से निर्देश प्राप्त होंगे वैसा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इशाक की ये रिपोर्ट।